नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया, उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज हम जरा मोती और कुंदन का ब्लाउज बताने वाले हैं, इसका स्टोन वाला, और आप घर पे ही वर्क कर सकते हो दोस्तों, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। घर पे कैसे किया जाता है वो एकदम ईजी और आसान तरीके से बताएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग साइड रख लेंगे, पहले हम 2 मिनट आपको बातें करने के। जो नए सब्सक्राइबर हो गए अभी तक क्लिक किया नहीं, प्लीज कर लेना है। हम गीता लेडीज टेलर की कटिंग की जरा आपको जानकारी देंगे। ये गीता लेडीज टेलर की कटिंग है दोस्तों, बहुत सारे जनों ने लिया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है कैसे बनी है कटिंग, और परफेक्ट आती है 101 टक्का। तो यहाँ पर हम लोग 34 साइज का ब्लाउज है ये, तो यहाँ पे हम लोग बताए गए ये प्रिंस कट है दोस्तों, प्रिंस कट है, और ये 1 टक्स है। ये बॉम्बे कटोरी जैसे कोलकाता साइड में पहना जाता है ज्यादा करके, वहाँ की महिला ज्यादा ये पहनती है। और यहाँ पे मैंने थियरी भी लिखी हुई है कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा पार्ट हमें कैसे करना है। और ये 4 टक्स है, और ये फ्रंट साइड यानी हमारी जो कटोरी जॉइंट होती हो, और ये हमारी क्रॉस पट्टी है। ओके, कितना पार्ट है, 1 2 3, ये 4 हुआ, यानी 5 कटिंग हम देते हैं एक ही साइज में। अभी ये 34 साइज की है, तो 34 साइज में हम लोग 5 कटिंग देते हैं। आपको कभी सिलना हो आगे का साइड कौन सा भी, आगे पीछे जो आपको लगा, अभी मेरे को 4 टक सिलना है, 1 टक, प्रिंस कट, बॉम्बे कटोरी, टुकड़ा कटोरी, जो होगा वो, तो आप खाली आगे का भाग चेंज करना है बस। यहाँ पे कटोरी और ये प्रिंस कट है, ये जो पार्ट हमारे यहाँ पे ऐसा जॉइंट होता है, ये प्रिंस कट है, उसके साथ हम क्रॉस पट्टी लगाते हैं। और ये बॉम्बे कटोरी, जैसे कि ये बॉम्बे कटोरी यहाँ पे ये जॉइंट होता है, मैंने ऐसे नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, वो पार्ट ही हमें लेना है, दूसरा पार्ट हमें लेना नहीं। सब में मैंने नंबर लिखा है, इसमें भी नंबर लिखा हुआ है और इसमें भी नंबर लिखा हुआ है, तो आपको सिलने में दिक्कत नहीं होगी। और ये स्लीव सबके लिए एक ही, और बैक साइड सबके लिए एक ही, खाली आगे का पार्ट हमें चेंज करना है। ऐसे हमने ब्लाउज की आपको भी लेना हो तो डिस्क्रिप्शन, जैसे कि आप मेरा अभी जो वीडियो देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, और वेबसाइट का नाम है लैपोज, वहाँ पे क्लिक करना है। आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस करोगे। ओके, तो ये 28 से लेके 42 तक ये कटिंग है, ऑल साइज का भी आप ले सकते हो, आपको जैसा अवेलेबल लगे आपके हिसाब से ले सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक अस्तर ले लिया हुआ है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको बताना भूल गई मैं, लैपोज में जाना है, और वहाँ पे हमने लेस भी दिया हुआ गोल्डन कलर की, बहुत सारी लेस है दोस्तों, फ्रेश है, 18 मीटर के हम लोग 5 बंडल दे ले, वो भी 350 रुपए में दे रहे, तो जिन लोगों को भी लेना हो तो आप ले सकते हो। अभी हम लोग 36 ब्लाउज की कटिंग करेंगे, वो भी बैक साइड जैसे वैसे ही रखते जाना है, इसमें कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे हमने मार्जिन के साथ ही आपको कटिंग दिया हुआ है इसी तरह से। और मुझे कॉल भी आते हैं, तो प्लीज रात को कॉल ना करें, मैं उठाऊंगी नहीं कॉल। आप 10 से 6 बजे या 7 बजे तक के में आप कॉल कर सकते हो, कुछ डाउट होगा वो हम आपको, मैं फ्री में डाउट्स क्लियर करूंगी, उसमें हम पैसा वगैरह कुछ लेंगे नहीं, फ्री में। ओके, तो यहाँ पे मैंने जैसे वैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हुआ है, और आपको पूरा मेरा वीडियो देखना होगा स्टिचिंग का, तो वीडियो अपलोड है प्लीज, वो टिप्स के साथ है, पूरा ही वीडियो देख लेना है, और वहां से आप सिल सकते हो। और एकदम आपको 101 टक्का बताओगे, आपको ब्लाउज आएगा यानी आएगा ही परफेक्ट। जिन लोगों को कटिंग नहीं आती होगी, सिलना आता होगा, तो आप कर सकते हो कटिंग लेके। तो अभी हम ऐसे पूरा कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने बताया दिया, अभी यहाँ पे हम लोग डिजाइन करने वाले हैं, थोड़ा अलग डिजाइन है, मोती वर्क है, सिंपल है पर बहुत अच्छा दिखता है, और सिंपल ही, जितना सिंपल ब्लाउज होता है डिजाइन उतना ही गेटअप अच्छा लगता है, ज्यादा भी घिस अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। अभी ये 4 का नेक है, तो हम लोग 4.5 ले लेते हैं, और यहाँ पे 3.5 और 2 का 3, यहाँ पे हम लोग दोरी नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि हमारा नेक बड़ा है, इसीलिए हमने सबके लिए हम लोग 2 का ही 3 लेते हैं। बहुत सारी महिला 2.5 3 लेते, फिर उनका शोल्डर गिर जाता है इसी तरह, तो हमें वैसे करना नहीं, सबके लिए 2। आप एक बार लेके देखो, आपको खुद को मालूम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 का, इसको हम थोड़ा ऐसे नेक करेंगे इसी तरह से, और ये हमारा होगा 4 का टक्स पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग लेंगे 4.5। दोनों साइड हम पहले लाइन दे देंगे इसी तरह से। अभी यहाँ पर हम लोग कैनवस ले लेते हैं, थोड़ा हम थोड़ा आज ये अलग डिजाइन बताने वाले तुमको। यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ है, ये कट कर लेती हूँ मैं, ये सीधा पार्ट है और ये उल्टा है, जो शाइन वाला होता है इसको हम लोग ऐसे कर लेना है, और इसको हम लोग ऐसे करना है, सेम जैसे है वैसे ही। ओके,
भी आप देख रहे हो। और हम लोग यहाँ पे पेन ले लेते हैं, और आपको ये भी पार्ट ऐसा भी आप कर सकते हो और आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको बता रहे ये हमारा, इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं, ये हमारा दो का तीरा होता है, नेक हमारा कितना है ये भी आपको बताएंगे, मतलब 10.5। तो यहाँ पे हम लोग 10.5 पे करेंगे, ये भी आपको एक तरीका बता रहे हैं मैं। और ये कितना हमारा था 3.5, तो ये हम लोग लेंगे यहाँ पे 3.5। तो इसको हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे बॉक्स करेंगे, ओके। अभी यहाँ पर हम लोग कितना ऊपर चढ़े थे 2, तो यहाँ भी हम लोग ऊपर चढ़ेंगे 2। तो इसको हम लोग करेंगे इसी तरह से स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 1-1 इंच जैसा हम लोग मार्जिन देंगे, इसी तरह से, यानी ये परफेक्ट हमारा आ जाता है। या इसे मेजर टेप का भी माप आप इसी तरह से ले सकते हो, ये परफेक्ट माप आ जाता है 1 इंच का। देखा, तो आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, कुछ नहीं, इसी तरह से। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कट करेंगे। अभी ये हमें कट नहीं करना है, इसको खाली पलटी करना है, अभी वो भी हम बताएंगे आपको, क्योंकि हमारा नेक एकदम परफेक्ट आ जाता है। इसी तरह से आप यहाँ पे कौन सा भी शेप दे सकते हो, कौन सा भी आपको जो पसंद आए वो, ओके। अभी इसको थोड़ा हम लोग साइड रख लेते हैं, अभी इसको ओपन करेंगे इसी तरह से, और इसको हम ऐसे इसको अस्त्री से पहले इसको चिपका लेते हैं, यानी हमें पलटी करने में आसान तरीका हो जाएगा। देख रहे हो आप, इसी तरह से अभी इसको हम अस्त्री से पूरा चिपका लेते हैं। मैंने अस्त्री से पूरा चिपका लिया हुआ है, अभी इसको थोड़ा ऐसे बीच में से करेंगे इसी तरह से, इसको थोड़ा साइड रखेंगे, और जो मेन लेना है हम पार्ट वो ले लेते हैं। इसको सीधा उल्टा देख लेना है, ये पार्ट हमारा सीधा है और ये उल्टा है, ओके। तो हमें उल्टे से ही करना है इसको, इसी तरह से, वो जैसे वैसे ही रखते जाना है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, यहां पर हमने कटिंग कर ली हुई, अभी हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। पर मैंने कट कर लिया हुआ है, आप देख रहे हो, अभी इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, उल्टे से ही रखना है, ये सीधा पार्ट है, तो हमें इसको ऐसे रखना है, ये सीधे पार्ट को इसके ऊपर साइड से रखना है, और इसको ऐसे सीधे में ही रखना है, और फिर हम इसको पलटी करेंगे, फिर इसको परफेक्ट रखते जाना है हमें, आगे पीछे देख लेना है कैसे है क्या नहीं, इसका सेंट्रल, या आप पिन पे लगा सकते हो या कच्ची सिलाई भी मार सकते हो, ओके। आप देख रहे हो इसी तरह से, इसे मैंने फैला दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग जरा पिनअप लगा लेंगे, यानी ये हिलेगा नहीं, कि यहाँ पे हमें थोड़ा पलटी करना है और बाद में इसका वर्क करना है इसी तरह से, इसी तरह से सारे पिनअप हम लगा लेना है। तो मैंने पिनअप लगा लिया हुआ है, अभी हम इसकी सिलाई करेंगे, और यहाँ पे कैनवस को छोड़ के हमें सिलाई करना है इसी तरह से, या आप ड्रेस में भी यूज कर सकते हो ऐसा कैनवस। अभी यहाँ पे हमने सुई दबा दी हुई है, इसको ऐसे करेंगे,
अभी आपको एक बताना भूल गई, थोड़ा मेरे से थोड़ा खिसक गया इस तरह करते समय, कोई बात नहीं, हमें सपोर्ट के लिए लगता है और जो हमारी जो निशानी है हम उस पर ही सिलाई मारेंगे, यानी हमारा नेक परफेक्ट आ जाएगा इसी तरह से। ओके, आपको नहीं पसंद आता होगा तो आप निकाल के वापस नया भी कैनवस काट सकते हो, कभी कभार हो जाता है इसी तरह से, तो ऐसा नहीं कभी भी क्या करें, तो ऐसे भी आप कर सकते हो थोड़ा। अभी हम इसको कट कर लेते हैं, इसको अभी पाव पॉइंट पे जैसे मैं सिलाई को छोड़ के कट करना है इसी तरह से, देख रहे हो इसी तरह से, तो हमारा नेक का शेप एकदम परफेक्ट आ जाता है जैसे हमें चाहिए वैसे ही। ओके, और यहाँ पे हमें खाली नॉचेस यहाँ पे ही देना है जहाँ पे हमारा शेप है वहाँ पे, बस सब जगह देते नहीं बैठना हमें, और हमारा पॉइंट अच्छी तरह से आ जाता है सिलाई को छोड़ के। अभी यहाँ पे हम सारे पिनअप निकाल लेंगे और इसको पलटी करना है हमें, इसको हम निकाल लेते हैं पिनअप को। और इसको हम ऐसे पलटी पूरा कर लेते हैं इसी तरह से, इसको ऐसे करके हमें इसको ऐसे करना है, तो यहाँ पे हमारा शेप आ जाता है, इसको पलटी कर लेना है। अभी यहाँ पर मैंने पलटी कर लिया हुआ है, अभी इसको अस्त्री से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, यानी हमारी फिनिशिंग परफेक्ट आ जाएगी। यहाँ पे मैंने अस्त्री मार ली पूरी परफेक्ट, देखो फिनिशिंग और कोना कितना परफेक्ट आ गया है। अभी जो एक्स्ट्रा है वो हम लोग यहाँ पे कट कर लेंगे, जो धागा दोरा, यानी हमारी फिनिशिंग बनी रहेगी। अभी यहाँ पर हम आप पीछे भी देख सकते हो कितना कवर सिलाई आ गई है, कैनवस में अंदर छुप गया हुआ है। और यहाँ पे हम पहले टक्स पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पे मैंने जो निशानी दी थी टक्स पॉइंट की वो लगा लेंगे हम पहले। और इसको आगे पीछे करना है, यानी पीछे का टक्स पॉइंट हमारा निकलेगा नहीं, इसी तरह से पाव पॉइंट पे लेना है। इसी तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग नाखून लगा लेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग एक लेस ले लेते हैं ये वाली, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिजाइन बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है इसको ऐसे रखना है, यहाँ पे हम लोग रेजर टेप ले लेते हैं, थोड़ी अलग डिजाइन है पर बहुत अच्छी दिखती है, इसको ऐसे है ना ये, तो इसको हम लोग ऐसे करना, ये लाइन जो दिख रही है हमारी ये लाइन वाली, तो हमें इसको ऐसे करना है, और इसको हमें ऐसे, ये लाइन नहीं हमारी, यही लाइन है खाली बस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग दोरा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लाइन लगा लिया, यहाँ पे हम लोग ब्लैक लेस ले लेते हैं क्योंकि हमारा ब्लैक बॉर्डर है साड़ी का इसीलिए, तो यहाँ पे हम लोग साइड साइड में करना है, सीधे उल्टे देख लेना है, इसको हमने ऐसे करना है दोस्तों, कोने में से लेके जाना है और थोड़ा बड़ा ही सिलाई लेना है, छोटा सिलाई लेना है, कभी भी लेस लगाते समय हमें थोड़ा छोटा बड़ा ही सिलाई लेना है ना, हमारी लेस खिंचती नहीं है, इसको हम ऐसे लगाएंगे, लगाने का तरीका भी आपको बताएंगे हम, देख रहे हो लेस थोड़ा भी हमारी खिंचती नहीं है, और ये जैसे चाहिए वैसे ये फोल्ड हो जाती है। अभी यहाँ पे हमारा कोना था इसीलिए हमें इसको ऐसे कर लेना है, और कोने में ही सिलाई मारते हमें जाना है इसी तरह से। जो एक्स्ट्रा कट अभी इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, सेम वही प्रोसेस, हमने पहले डबल सिलाई नहीं मारी थी क्योंकि हमको लेस लगानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। अभी ये क्या होता है, लेस भी लग जाती है और हमारी सिलाई भी लग जाती है, यानी 2-in-1 काम हो जाता है हमारा। और इसे कोने कोने में ही लगाते जाना है क्योंकि हमें इसे एकदम बॉर्डर जैसी लग जाती है।
इसको ऐसे दबा देते हैं और इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हमारा इसी तरह से हो गया है। इसी तरह से ओके। अभी हम थोड़ा यहाँ पे अंतर दे देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कुंदन या लेस लगाना है। थोड़ा हम एक एक या डेढ़ इंच जैसा मेरे को अंतर रखने वाले हैं। हमें दिखने में भी खूबसूरत है और लगता भी बहुत अच्छा है ये। इसी तरह से राउंड देना है। मैं इसे घुमा लेना है। दोनों साइड ऐसे हम लोग कर लेते हैं। देख रहे हो पूरा दोनों साइड मैंने लगा दिया। अब इसको थोड़ा साइड रख लेंगे और यहाँ पे कमर पट्टी लगा लेते हैं। हम पहले कपड़ा ले लेंगे कमर पट्टी के लिए और एक इंच जैसा कट करना है। इसी तरह से और हम यहाँ पे उल्टे से लगाएंगे दोस्तों। इसी तरह से जैसे पूरी हम लोग सिलाई मार लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने पूरी सिलाई मार ली है। अभी हम इसको ऐसे करेंगे नाखून से। इसी तरह से अभी इसको सीधा करेंगे और इसको हम लोग ऐसे करना है और इसको छोटी सी हमने पट्टी लगानी है छोटी वाली और इसे ऐसे कवर करेंगे। यानी ये हमारा पट्टी लगती है और दिखने में भी सुंदर और ये पूरी पूरी कवर सिलाई हो जाती है। यानी हमें कमर में चुभेगा भी नहीं और यहाँ पे हमें हाथ सिलाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे हाथों से प्रेस कर लेना है। तो अभी ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको वर्क कैसे करना है कभी भी। हाँ दोस्तों अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पूरा ब्लाउज तो सिला नहीं, बाद में मैं सिलने वाली हूँ। पर अभी आपको दिखाने के लिए मैंने आपको ये बताया हो। पर आप लोग ने क्या करना है, पूरा ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद ही इसका वर्क करना है, पहले वर्क नहीं करना है ओके। तो चलो वर्क कर लेते हैं हम। और मैंने पूरा लगा लिया। अभी हम यहाँ पे स्टोन ले लेंगे और फिर इसको यहाँ पे हम लोग फेविकोल चिपका लेंगे। जो ये मोती वाला आता है दोस्तों, ये एक ही बार में टाइट चिपक जाता है, इसको ज्यादा लगाना नहीं पड़ता है कुछ नहीं। इसको हम ऐसे लगाते जाना है और लेवल ले लेना है। कभी भी पहले लेवल ले लेने, लेवल के बाद हम इसको चिपकाते जाना है। यानी लेवल यानी इसको ऐसे लगाते जाना है, ये देखो इसी तरह से ओके। तो इसी तरह से यहाँ पे हम सारे लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा चिपका लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग मोती ले लेंगे जो मिलती मार्केट में अवेलेबल, इसका नाप से हम लोग ऐसे करना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम लोग इसे कट कर लेना है। इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे, इसको ऐसे हम लोग कट कर लेना है ओके। और इसको हम ऐसे, इसको ऐसे लगाना है। ये मोती तो परफेक्ट चिपक जाता है। इसको ऐसे करना है हाथों से ही, राउंड में अपने आप ये आ जाता है इसी तरह से। और एक बार बताएंगे हम, इसको हाथों से दबा लेना है। इसी तरह से इसे कट करना है।
इससे सारे मोती इसे चिपका लेते हैं डायमंड। तो सारे मैंने मोती और कुंदन पूरा चिपका लिया है दोस्तों, और एकदम कड़क चिपक जाता है, निकलता नहीं है दोस्तों। देखा दोस्तों, एकदम इजी और आसान तरीका है, आप कौन से भी ब्लाउज ड्रेस के साथ वर्क ऐसे कर सकते हो अलग अलग तरीके से। तो मुझे लग रहा है आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगा, तो जितना होगा शेयर लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और ऐसे ही प्यार देते रहना। धन्यवाद दोस्तों।